हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या शुरू करने वाले हैं? अभी हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो क्लास 11 का टॉपिक है, तो इसको जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैंने कल ही बोला था आपको, कल मैं रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहा था 12 वाला, तो मैंने आपको बोला था लेक्चर नंबर 4 में बोला था कि मैं जो है वो 11 का भी शुरू कर रहा हूँ। तो हम लोग जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज से जो है वो शुरू करते हैं। हमारा जो सेट है, सेट का लेक्चर नंबर 1 आ गया है, लेक्चर नंबर 2 जो है वो आने वाला, ये 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। मतलब एक पार्ट में जो है हम लोग जो है वो थ्योरी को पढ़े हैं, फिर दूसरा पार्ट में हम लोग वेन डायग्राम का प्रैक्टिस किए, फिर तीसरा पार्ट में हम लोग मेंस और एडवांस का क्वेश्चन को किए सेट थ्योरी का। तो ये तो हो गया आपका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी खत्म होने वाला है, जहां तक आप, मैं बता रहा हूं आपको, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 से 3 दिन में मैं लेक्चर दे दूंगा, लेक्चर नंबर 2 का और लेक्चर नंबर 3 का जो है वो भी मैं 2 से 3 दिन में आपको दे दूंगा। मतलब एक सप्ताह में जो है ये जो सेट थ्योरी है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जो है इसका जो लेक्चर है वो रेगुलर होगा। कब होगा ये जो है, ये जो लेक्चर है ये रेगुलर होगा, इसमें कोई कोताही नहीं होने वाली है। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है इसको हम लोग खत्म करेंगे, तभी हम लोग जो है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई क्लास को जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, फिर मेंस का क्वेश्चन भी करेंगे आज हम लोग। तो उसके लिए आप एक्साइट रहिएगा, काफी एक्साइट रहिएगा। जेई मेंस का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एकदम बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नहीं भी पढ़ा है ना बंदा 10th क्लास में, ये 10th में एपी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तब पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की जरूरत है। मैथ में जो है प्रैक्टिस मांगता है, फिजिक्स में प्रैक्टिस मांगता है। तो तीनों को लेके अगर चलते हैं, या ऐसा नहीं कि फिजिक्स में याद नहीं करना पड़ता है, फिजिक्स बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत सारे डेरिवेशन है जो कि मैं आपको अक्सर दिखाता रहता हूँ। तो अभी जो है हम लोग का 11 का भी फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है, यूनिट एंड डायमेंशन का। तो मैंने लेक्चर शायद दे दिया था, लेकिन एक बार फिर से सोच रहा हूँ कि यूनिट एंड डायमेंशन का मैं लेक्चर आप लोगों को दे दूँ, क्योंकि वो साफ नहीं था उतना। तो यूनिट एंड डायमेंशन का मैं एक बार लेक्चर आप लोगों को और एक बार दे दूंगा। ये भी जो यूनिट एंड डायमेंशन रहेगा वो भी 3 ही पार्ट में डिवाइड रहेगा, यूनिट एंड डायमेंशन। और बाकी जो है वो आप HCB कर लीजिए फिजिक्स में, और मैथ में जो है, मैथ में आपको मैं आगे बुक बताऊंगा, और केमिस्ट्री में जो है वो आप बालाजी पब्लिकेंस का बुक कर सकते हैं, बेस्ट बुक होती है। और चलिए हम लोग जो है बिना टाइम गवाए हुए अपने जो है अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, और चलिए हम लोग जो है इस चीज को स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जहां तक आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में जो है, मैंने हेडिंग डाला था सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चलिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो क्लास है वो स्टार्ट हो गया है, तो चलिए आप पेन को भी लेके जो है वो बैठ जाइए, और फिर हम लोग जो है वो लेक्चर को जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पेन को भी लेके बैठ जाइए बिना किसी देर के, और अपने जो है वो कंटेंट पे इस चीज पे फोकस कीजिए, बोर्ड पे, और किसी चीज पे फोकस मत कीजिए। ठीक है, नहीं तो लाइफ खराब हो सकती है। ठीक है, और अगर आप किसी चीज पे फोकस करते हैं तो, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस क्या होता है, ये जो सीक्वेंस है ये क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस मतलब क्या होता है, सीक्वेंस मतलब होता है क्रम, क्या होता है, क्रम। आखिर ये होता क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का एक बहुत ही अंग्रेजी में खतरनाक डिफाइन है सीक्वेंस का, जो कि मैं आपको पहले लिखवा देता हूं, फिर जो है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा सीक्वेंस का। अगर कोई लिखना चाहे तो वो लिख सकता है बंदा, अगर कोई लिखना चाहे इस डिफाइन को तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि सीक्वेंस मतलब क्या, सीक्वेंस मतलब एक क्रम, वो तो बात की बात है, वो तो हिंदी है। ठीक है, तो जहां तक बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलना है, अगर हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलते तो काफी अच्छी बात है। तो ए सक्सेशन ऑफ टर्म्स विच मे बी अलजेब्रिक रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर रिटेन वन आफ्टर अदर सेपरेटेड बाई कॉमाज इज कॉल्ड सीक्वेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस। क्या बोल रहा है ये, मैं एक बार देख लेता हूँ, कैमरा चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे ये बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। तो ये जो है ये एक सीक्वेंस हो गया। कैसे ये सीक्वेंस हो गया, क्या बोल रहा है, जो कि जो कॉमा से सेपरेटेड हो, सेपरेटेड बाई कॉमाज,
जो कॉमा से सेपरेटेड हो, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस उसको आप बोल सकते हैं जिस जो कि कॉमा से सेपरेटेड हो, कॉमा से जो है वो ए सक्सेसिव ऑफ टर्म्स विच मे बी अलजेब्रिक, वो अलजेब्रिक भी हो सकता है, अलजेब्रिक भी हो सकता है, 3x 2x 3x 4x 5x अलजेब्रिक भी हो सकता है, फिर आपका रियल भी हो सकता है, रियल मतलब 1 2 3 यही वाला रियल बिलोंग्स रियल नंबर, फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आयोटा, 3 आयोटा 2 आयोटा फिर 4 आयोटा, ऐसे आयोटा भी हो सकता है। मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लेक्चर दे दूंगा इसके इस सीक्वेंस सीरीज के बाद। तो रिटेन वन आफ्टर अदर सेपरेटेड बाय कॉमाज इज कॉल्ड, मतलब ये जो है ये सब जो है जितने भी है कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है, फिर आपका रियल अलजेब्रा है, अलजेब्रिक फॉर्म है, तो ये सब जो है वो सेपरेटेड हो कॉमा से, कॉमा की कॉमा से इसको लिखा जाए, जैसे 1, 2 फिर 3 फिर कॉमा से जो है जो सेपरेटेड किया जाता हो डेट इज कॉल्ड सीक्वेंस, इसी को जो है हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, होप करते हैं कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग जो है वो कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। मैंने बोला कि रिप्रेजेंट इसको ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, तो क्या आज शायद आपने नहीं देखा हो या देखा हो कि रिप्रेजेंट इसको ऐसे किया जाता है, कई सारे बुक में लिखा जाता है, कई सारे बुक में नहीं लिखा जाता है। मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं इसलिए मेरा बताना जो है वो धर्म है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमको जो है वो सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर मान लीजिए मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर अगर मैंने लिख दिया यहां पे प्राइम सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर मान लीजिए मैंने लिख दिया, तो क्या आएगा, पहला 2 3 5 7 11 13 डॉट क्या प्राइम नंबर उसको बोलते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो कि मान लीजिए 13 है। ठीक है, तो वो केवल खुद से कटे और एक से कटे, मतलब बस एक से कटे और खुद से कटे, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसका जो है केवल दो मल्टीपल्स हो, एक वो खुद हो और एक हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। ठीक है, होप करते हैं कि आप समझ गए होंगे। डस्टर कहां है, डस्टर यहां पर, तो होप करते हैं कि आप जो है इस प्राइम नंबर को जो है वो समझ गए होंगे। तो प्राइम नंबर आपने समझ लिया, तो मान लीजिए ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है। ठीक है, और इसको जो है वो सेपरेटेड किया गया है कॉमा से, हां कॉमा से जो है अब इसको जो है वो सेपरेटेड किया गया है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस, इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। आप समझे, इसको हम बोल सकते हैं सीक्वेंस क्योंकि ये कॉमा से जो है वो कॉमा से जो है वो सेपरेट किया गया है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड जो है वो सीक्वेंस में है ये। इसके बाद हम लोग सीरीज में भी बात करेंगे, प्रोग्रेशन का भी बात करेंगे, तो पहले इसका बात करते हैं। तो होप करते हैं कि आपने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जल्दी से जो है वो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने लिख लिया 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, डॉट, तो ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट जो है, या इनफाइनाइट सीरीज क्या बोलूं मैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये, क्या है ये, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, मतलब जो है इसको आप मतलब निकाल नहीं सकते, इसका आप उतना अच्छा से जो है अब इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते ठीक से, इसलिए इसको इनफाइनाइट बोला गया है। और फाइनाइट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया जिसको आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको जो है हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। क्या सीरीज, फाइनाइट सीरीज, जो कि एकदम लास्ट तक जाए, जो कि खत्म नहीं हो और जिसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो, डेट इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज एंड अनदर इज इनफाइनाइट सीरीज। तो होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो है ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, ये वाला जो है ये क्या है और ये वाला जो है ये क्या है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, नहीं रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, केवल मैं बता दिया ये कि, और अगर ये कोई भी चीज अगर कॉमा से सेपरेटेड हो, बेसिक लेवल का चीज है कि कोई भी अगर कॉमा से सेपरेटेड हो तो डेट इज कॉल्ड सीक्वेंस। क्या, डेट इज कॉल्ड सीक्वेंस। इस एक बात बस याद रखिएगा कि सेपरेटेड बाय कॉमाज,
सेपरेटेड बाय कॉमाज, क्या सेपरेटेड बाय कॉमाज, इस चीज को याद रखिएगा। और ये इनफाइनाइट है, मतलब जिसका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाए उसको जो है हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस बोल सकते हैं, और एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस। चलिए इसके बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया बहुत ही अच्छे से, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है वो कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो सीक्वेंस आर फॉलो मे और मे नॉट बी सीक्वेंस। देखिए यहां पे सीक्वेंस जो है वो मे और नॉट बी फॉलो द पैटर्न। सीक्वेंस क्या बोलते हैं हम लोग कि, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, क्या बोले हम लोग, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, क्या टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस मे और मे नॉट बी फॉलो, मे और मे नॉट बी फॉलो द पैटर्न या फॉलो ए पैटर्न। मतलब क्या मैं बोल कह रहा हूं कि ये जो सीक्वेंस है ये कॉमा, ये कॉमा से तो मतलब हम मान सकते हैं, अगर मान लीजिए कि माइनस 55 है, फिर माइनस आ गया आपका 5, फिर आ गया आपका 11, फिर आ गया आपका 10, ये कोई, ये मतलब कोई मतलब ऐसे नहीं ना है, ये तो मान लीजिए इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, इनफिनिट सीरीज हो गया, इनफिनिट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ये एक हो गया, ये 1 2 3 4, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। मतलब क्या कि जो सीक्वेंस है ये जो है ये अपना जो है ये पैटर्न फॉलो भी कर सकते हैं और नहीं भी फॉलो कर सकते हैं, मे और मे नॉट बी। मतलब क्या कि ये अपना पैटर्न को जो है वो फॉलो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये इन पे कोई मतलब आप जोर नहीं डाल सकते हैं कि आप इस पैटर्न को जो है वो फॉलो ही कीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो होप करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, तो जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेशन के बारे में, प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन हो गया। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये प्रोग्रेशन के बारे में, किसके बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में। ये प्रोग्रेशन क्या होता है, क्या प्रोग्रेशन, ये जो प्रोग्रेशन है ये क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्रेशन। अब आपने पढ़ा होगा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने नाम तो सुना होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक। ये प्रोग्रेशन मतलब होता क्या है भाई, देखिए यहां पे क्या होता है, ये एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस ऑफ क्या बोले हम, मान लीजिए हम कुछ बोल देते, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस, क्या स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस इन इन विच द टर्म्स प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू डिफिनेट रूल। देखिए ये प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं, ये स्पेशल केस है एक सीक्वेंस का। मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस जो है वो आपका जो है वो फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्या फॉलो कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। मतलब क्या, एक पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं, सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो करता है और नहीं भी कर सकता है, वो उस पर आप कोई जोर नहीं डाल सकते हैं। तो वही ये स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस है इन विच ये जो है ये एक डिफिनिट रूल को फॉलो करता है, क्या एक डिफिनाइट रूल को। मतलब सीधा साधा बंदा है भाई, मतलब ये जो है ये जो माता पिता कहते हैं वो बात सुनता है, ये मतलब समझिए कि एक हम बात बता रहे हैं। और कोई ऐसे भी बंदे होते हैं जो कि माँ बाप का बात नहीं सुनते हैं, तो वो ये जो है ये मतलब संस्कारी बच्चा है, मान के चलिए यही संस्कारी बच्चा है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेशन जो है एक संस्कारी बच्चा है जो कि एक रूल से चलता है, क्या एक रूल से चलता है। अब ये जो रूल है ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, एन क्यू माइनस वन, ठीक है, तो ये एक रूल हो गया, क्या हो गया कि नहीं। अगर हम यहां जीरो रखते हैं, वेन पुट जीरो, तो रिजल्ट क्या आएगा,
when put 0, अगर हम 0 को यहाँ put कर देते हैं, या sorry 0 से नहीं start करते हैं, चलिए कहाँ गया duster, हम लोग जो है वो 0 से start नहीं करते हैं, हम लोग जो है 1 से start करते हैं, तो 1 का q minus 1, when put 1 को अगर हम put करते हैं, तो क्या होता है, 1 minus 1, 0, फिर when put 2, अगर 2 को हम put करते हैं, तो 2 का q 8 minus 1, 7, फिर अगर हम 3 को पुट करते हैं तो 3 का क्यू माइनस 1 मतलब 3 3 3 3 9 और 9 3 27 माइनस 1 कितना आएगा 26 ठीक है। अब देखिए 4 का क्यू मतलब 64 माइनस 1 63 मतलब क्या ऐसे ही चलते रहेगा ये 0 7 26 63 मतलब ये जो है ये डिफिनेट रूल को जो है एक फॉलो कर रहा है, इस रूल को इसी रूल के हिसाब से वो जो है वो मूव कर रहा है, तो उसको जो है हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। एपी में जो है आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, फॉर्मूले क्या है, वो रूल है, एक रूल है जिसके चलते जो है वो एक पाथ में जो है वो मूव करता है। अगर किसी के पास मान लीजिए संस्कार नहीं होता है ठीक है, मतलब संस्कार के जो माता पिता का सम्मान नहीं करता है, या आप मान के चलिए कि जो लोगों से अच्छे से बात नहीं करता है, तो वो क्या है कि उसके पास जो है एक पाथ नहीं है, और जो अच्छे से बात कर रहा है जिसके पास संस्कार है वो उसके पास एक पाथ हो गया है, तो वही चीज है कि इसके पास एक पाथ है कि एक इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। हाँ तो वही बात है कि देखिए आप, होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे कि क्या रूल का बात है, आपने तो इस चीज को समझ लिया। अब देखिए आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए, फिर एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो इसको लिख लिया होगा ठीक है, तो हम लोग जो है वो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने ले लिया एक रूल ठीक है, n बाई n स्क्वायर प्लस 1 ठीक है, मैंने एक रूल ले लिया है ठीक है। अब इसी से जो है ये वर्क करेगा, ये जो रूल, ये जो साइन है मैंने उस समय बनाया था, नहीं बनाया हुआ तो बना लीजिएगा, ये जो है ये इक्विवेलेंट का साइन है, क्या इक्विवेलेंट का साइन है, किस चीज का साइन है, ये जो है ये इक्विवेलेंट का साइन है ठीक है, और ये जो है ये tn है, tn मतलब nth टर्म, क्या ये जो है ये nth टर्म है, nth टर्म, tn को क्या बोलते हैं, nth टर्म, इसको लिख लीजिएगा स्टार बना के जो है वो लिख लीजिएगा इसको, कि tn को जो है वो क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, tn को nth टर्म बोलते हैं। तो होप करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और इसको जो है हमने बनाया, तो मान लीजिए हमने यहां पे 0 बैठाया ठीक है, या 1 बैठा दे ठीक है, 1 by 2 ठीक है, फिर 2 by 2, 4 plus 1 5, फिर 3 by 9 plus 1 कितना आएगा 3 by, फिर आपका जो है वो आ जाएगा क्या हम बोल सकते हैं 3 by 10 ठीक है, और फिर क्या बोल सकते हैं, फिर 4 बैठाएंगे यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर 16 plus 1 17, फिर 5 बैठाएंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 plus 1 26, ऐसा ये जो है ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है, मतलब ये जो है एक डिफिनेट रूल पे चल रहा है, इसी रूल पे जो है ये मूव कर रहा है, ये बदमाश बच्चा नहीं है, ये इसी रूल पे जो है वो मूव कर रहा है। तो होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ये nth टर्म है, इसको nth टर्म बोलते हैं, और nth टर्म के हिसाब से जो है ये मूव करता है। अब जो इस जो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको कैसे, an मान लीजिए ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं tn, इसी को बोलते हैं हम लोग nth टर्म, क्या nth टर्म, इसी को जो है हम लोग बोलते हैं nth टर्म, उस पहले आपने नहीं लिखा है तो इसको लिख लीजिए ठीक है, इसी को जो है हम लोग बोलते हैं nth टर्म, और ये nth टर्म के हिसाब से जो है वो मूव करता है, एक डिफिनेट रूल में मूव करता है ठीक है। तो होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल करते हैं ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखिए। ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, हो गया, होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं और क्वेश्चन करते हैं इस पे, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं ठीक है, प्रोग्रेशन का जो है वो क्वेश्चन को जो है वो करते हैं हम लोग ठीक है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ध्यान से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे जो है वो क्वेश्चन शो कर दिया होगा, हेलो हेलो आप ही से बात कर रहा हूं, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये पहला जो क्वेश्चन है ये 2 का पावर n/2 है, पहले आप वीडियो को जो है पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 2
होप करते हैं कि आप जो वीडियो को पॉज करके जो है वो आपस बना लिए होंगे, तब इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या। अगर हम लोग जो है यहाँ पे वन को पुट करते हैं, क्या करते हैं, वन को पुट करते हैं एन के जगह पे, एन के जगह पे अगर हम वन को पुट करते हैं, क्या बोल रहा है कि राइट डाउन दी सीक्वेंस, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है उस एंथ टर्म आर, इसका जो एंथ टर्म है उसको बताइए, मतलब एन को जो है अगर हम वन पुट करते हैं तो क्या आएगा, एन को अगर हम वन पुट करते हैं तो वन आ जाएगा, फिर एन को अगर हम टू पुट करते हैं तो टू का टू का पावर टू फोर, फोर बाई टू मतलब टू आ जाएगा, एन का अगर हम थ्री पुट करते हैं तो एट बाई टू मतलब क्या थ्री आ जाएगा, एन को अगर हम फोर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एन को अगर हम फोर पुट करते हैं तो टू का पावर फोर तो 16, 16 बाई टू मतलब 8 आ जाएगा, यही ना आएगा, मतलब क्या, देखिए यहां पे मतलब मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि ये कैसा हो गया, ये 1 2 3 3 3 3 3 3 3 टू का पावर 8 बाई फोर, हाँ ठीक है 3, और फिर यहां पे जो है वो 2 का पावर 4 लगा दिए तो 16, 16 बाई टू 8, ठीक है यहां पे 8 आ गया, और ऐसे ही जो है ये चलते रहेगा। और b जो है, b क्या बोल रहा है, b बोल रहा है 3 प्लस माइनस 1 बाई एन बाई 3 का पावर n, ये ना बोल रहा है, आपका जो क्वेश्चन है वो यही बोल रहा है। तो अगर हम जो है वो n को जो है वो ये आपका हो गया, अगर अगर हम जो है अगर n को जो है अगर 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 2 2 2 बाई 3 आ जाएगा, अगर हम n को जो है वो 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2 4 4 by 9 आ जाएगा कि नहीं, हाँ 4 by 9 आ जाएगा। अगर हम 3 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, 3 अगर हम पुट कर देते हैं, अगर 4 को 4 पूरा पुट कीजिए, अगर 4 आप पुट कर देते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि 4 में 4 अगर 4 बेस्ट होता है तो 4 को कर दीजिएगा, तो 3 अगर यहां पे पुट कर देते हैं तो 2 by 27, ठीक है, और अगर हम यहां पे 4 पुट कर देते हैं तो 4 by क्या आएगा, 3 का पावर अगर हम 4 करते हैं तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 9 9 9 81, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 81, मतलब ये जो है यही सीरीज से चल रहा है, 2 by 3 4 by 9 2 by 27 फिर 4 by 81, ऐसे ही है जो है ये मूव कर रहा है। होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे, तो जल्दी से जो है वो ये दोनों आंसर जो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, जल्दी से जो है वो इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। और एक और मैं आपसे क्वेश्चन देना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे सीरीज के बारे में, ठीक है, तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको, होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए जो है अब हम लोग जो है वो सीरीज के बारे एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे जो है इस पॉइंट पे 2 का पावर n बाई n कर दूं, तब तो क्या कीजिएगा आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन लिखे यहां पे, तो n इज इक्वल टू, पहले हम 1 मानेंगे, 1 मानेंगे तो क्या आएगा, 1 मानेंगे तो 2 का पावर 1 बाई 1, फिर n इज इक्वल टू अगर हम 2 माने तो 2 का पावर 2 बाई 2, अगर हम 3 माने तो 2 का पावर 3 बाई 3, अगर हम n इज इक्वल टू 4 माने तो 2 का पावर 4 बाई 4, ठीक है, और अगर हम n इज इक्वल टू 5 माने तो 2 का पावर 5 बाई 5, मतलब क्या, पहले आएगा आपका 2 का पावर 1 बाई 1, फिर 2 का पावर 2 बाई 2, फिर आपका 2 का पावर 3 बाई 3, 2 का पावर 4 बाई 4, 2 का पावर 5 बाई 5, ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। होप करते हैं कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और इसको जल्दी से जो है वो नोट डाउन करो, ये बहुत ही आसान है, देख रहे हैं, एन का पावर 1 बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा है, 4 बैठा है, 5 बैठा है, 0 मत बैठा दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है 0, ठीक है, अगर मान लीजिए हमने 0 को यहाँ पे बैठा दिया तब क्या होगा, 0 को अगर हमने यहाँ पे बैठाया तो 2 का पावर 0 बाई 0 मतलब 2 का पावर 0 मतलब 1, तो वही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 0 अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तब बैठाइए, नहीं तो मत बैठाइए, ठीक है। तो होप करते हैं कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, ठीक है। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीक्वेंस पे, ठीक है, किस पे चलते हैं, सीक्वेंस पे, व्हाट इज सीक्वेंस। अब यहां पे देखिए कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस तो हो गया ना, सीरीज क्या होता है, सीरीज क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो सीरीज है ये क्या होता है, व्हाट इज सीरीज,
सीरीज कुछ नहीं है, मैं आपको अभी डिफाइन लिखवाता हूं, फिर इसके बारे में मैं समझाता हूं। इफ वी एड ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस डेट आर कॉल्ड सीरीज। मतलब क्या कि अगर जो है आप सीक्वेंस सीक्वेंस जितना भी है ना उसको आप ऐड कर दीजिए, क्या पहले कॉमा से आप सेपरेटेड करते थे उसी को जो है वो ऐड कर दीजिए, तो वो जो है वो सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो जो है वो सीरीज बन जाएगा। जस्ट एग्जांपल, 1+2+3+4+, जैसे देखिए जस्ट एग्जांपल ये जो है ये सीक्वेंस है, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 .. ये क्या है? ये जो है ये सीक्वेंस है कि नहीं? अब इसी में जो है आप प्लस कर दीजिए, 1+2+3+4+5+6+7, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ये सीरीज। क्या हो गया? ये हो गया आपका सीरीज, हो गया कि नहीं? ये जो है ये आपका हो गया सीरीज, ये आपका हो गया सीक्वेंस। होप करते हैं कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट ये जो है ये समझ में आया कि सीरीज क्या होता है। मैं आपको और सारे बहुत सारे एग्जांपल अभी करवाता हूं, तो जल्दी से जो है इसको लिख लीजिए, इसका डिफाइन को अगर आप लिखने में दिलचस्पी है तो इसको आप लिख लीजिए, अभी मैं इसको मिटाता हूं। होप करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं, ठीक है? इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो सेट ऑफ प्राइम नंबर लिखता हूं, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर 2+3+5+7+11+13 .. ये आपका जो हो गया ये हो गया आपका सीरीज, क्योंकि यहां पे जो है वो प्लस है। क्या यहां पे जो है वो प्लस है कि नहीं? अब हम लोग मान लीजिए कि कुछ लिख देते हैं, ठीक है? क्या लिखा जाए? अब मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, तो ये क्या है? .. ये क्या है आप बताइए। होप करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये जो है ये सीक्वेंस है, क्या है? ये सीक्वेंस है। अगर हम 1/2+1/3+1/4+1/5+1/6 करें तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। ये सीक्वेंस है और ये सीरीज है क्योंकि इसमें प्लस आ गया। होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे कि जिसमें प्लस आ जाता है उसको सीरीज बोलते हैं, और सीक्वेंस किसको बोलते हैं? जिसमें कॉमा होता है, ठीक है? और प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? कि सीक्वेंस का एक जो है वो रूल जिससे जो है वो ट्रेवल कर रहा हो, जिससे जो है एक रूल होता है जिससे जो है वो बंधा हुआ हो, ठीक है? तो होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे, तो जल्दी से जो है उसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और कुछ गोल्डन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? किसके बारे में बात करते हैं? कुछ गोल्डन पॉइंट्स के बारे में, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए हम लोग जो है वो गोल्डन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? गोल्डन पॉइंट्स क्या है हमारे? गोल्डन पॉइंट्स मेन पॉइंट के बारे में भी मैं बात करता हूं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये टीएन क्या होता है। सबसे पहले अगर आप टीएन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस डिनोट्स एज एंथ टर्म। क्या डिनोट्स एज? कहां है डस्टर? डिनोट्स एज क्या लिख सकते हैं हम लोग? डिनोट्स एज एंथ टर्म। कहां गया डस्टर? हाँ, एंथ टर्म ऑफ एनी सीरीज। क्या? Nth term of any series। इसको जो है ये आप बोल सकते हैं कि जो tn है इसको आप बोल सकते हैं कि denotes as, थोड़ा सा बिल्डिंग का फ्रेंचुलेशन हो गया था तो उसके लिए सॉरी। तो यहां पे आप इसको बोल सकते हैं tn को आप बोल सकते हैं कि denotes as nth term of any series। इसको आप क्या बोल सकते हैं? कि इसको आप denote कर सकते हैं nth term। इसको आप क्या बोलिएगा? nth term। अब एक होता है Sn, इसको denotes करते हैं, denotes as sum of all nth series। मैं यहां ऐसे बोल सकते हैं कि denotes as summation of nth term
nth terms of any series. ऑफ एनी सीरीज मतलब ये क्या करते हैं कि जोड़ने के लिए काम करते हैं, मतलब 1+2+3+4+5+6+7 ठीक है +8 तो ये सबको जोड़ने के लिए क्या है, ये सबको जोड़ने के लिए आप कितना लिख सकते हैं s, कितना है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो s8 आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये सब जोड़ने के लिए जो है हम sn का यूज करते हैं, ठीक है। तो होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे कि समेशन, व्हाट इज समेशन, समेशन इज दिस, ओके लेट्स फाइन। अब देखें यहां पे, अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो है वो बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो है बात करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने जो है ये लिखा t1+t2+t3+t4+tn-1+tn, ठीक है। तो अगर हमने ये लिखा, अगर हमने ये लिखा तो अगर हमको यहां से यहां तक जोड़ना है तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमको यहां से यहां तक अगर हमको जोड़ना है तो हम क्या बोलेंगे, Sn-1, क्या Sn-1, ठीक है। और अगर हमको यहां से यहां तक पूरा जोड़ना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, Sn बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि Tn है यहां पे, तो nth टर्म तक हमको जोड़ना है। और यहां पे क्या करना है कि हमको n-1 टर्म तक जोड़ना है, कहां तक जोड़ना है, n-1 टर्म तक जोड़ना है, और यहां पे जो है हमको nth टर्म तक जोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको sn लिखेंगे, ठीक है। इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे कि सम ऑफ n-1 टर्म्स, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म, क्या सम ऑफ nth टर्म, ठीक है ना। हाँ, होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे कि इसको क्या लिखेंगे, यहां पे n-1 टर्म, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। होप करते हैं कि आप जो है इसको समझ गए होंगे, इसकी इससे एक रिजल्ट निकलेगा जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर एक रिजल्ट मैं आपको बताता हूं, फिर एक एग्जांपल देता हूं, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखिए ना, जल्दी से लिख लीजिए इसको। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा आगे वाला, तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। तो अगर अगर आप क्या करते हैं कि ये जो है, ये मैंने जो आपको बताया, अगर आप ये करते हैं फॉर एनी सीरीज, फॉर एनी सीरीज, क्या फॉर एनी सीरीज अगर आप ये करते हैं तो Sn-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा। Sn-1 अगर आप करते हैं तो आपका जो है ये आ जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। पहले आप ये देखिए, ये क्या हो गया, ये Sn हो गया, ये Sn-1 हो गया, ये Sn हो गया, ठीक है। तो Sn में से अगर आप Sn-1 को घटाते हैं तो आपका Tn आ जाएगा, क्या Sn में से अगर आप Sn-1 को घटाते हैं तो Tn आ जाएगा। इसको जो है वो स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद जो है आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। होप करते हैं कि आपको जो है आपने इसको लिख लिया होगा, तो मैं इस पे एग्जांपल करवाता हूं तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो जल्दी से जो है उसको लिख लीजिए। तो होप करते हैं कि मैंने आपने इसको लिख लिया होगा। तो मैं जो है अब आगे बढ़ता हूं और कुछ नए एग्जांपल्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि मैंने बात किया, एग्जांपल ले लिया, ठीक है, 2+4+6+8+10+12, ठीक है, इतना एग्जांपल ले लिया, ठीक है। और मैंने क्या बोला, ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने, ये बताइए ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने लिखेंगे, S6, कितना आया S6, 1, 2, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 6, 20, 20, 10, 30, 30, 30 और 12, 42 आ गया, ठीक है। और मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया Sn-1 लिखना है, मतलब एक टर्म कम, मतलब 5 यहां पे लिखना है S5 तक, मतलब 2+4+6+8+10, बस इतना ही लिखना होगा S5 तक। तो इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा 2+4 मतलब 6, 6+6 12, 12+8 20, 20, 10, 30 आएगा कि नहीं। अब देखिए यहां पे कि S6-S5 अगर हम करते हैं तो आपका जो है वो क्या आना चाहिए, T6 आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 42-30 कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है, this is T6, 6th term है, 6th term, कौन term है, 6th term आपका आ रहा है कि नहीं,
आ रहा है कि नहीं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां पे आपके प्रूफ प्रूफ आपके सामने है, ठीक है। हाँ, होप करते हैं कि आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा कि प्रूफ जो है वो आपके सामने है कि नहीं। तो जल्दी से जो है वो इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है, क्यों है, ओ खुदा बताना, क्या है, क्यों है, कैसे है, ओ खुदा बताना, क्यों है, क्यों है, ओ खुदा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। मेरे को भाई गाना गाने का यार बहुत शौक है यार, एक दिन म्यूजिक कंपटीशन में जाऊंगा यार जरूर, या अपना गाना लॉन्च करूंगा एक दिन, पक्का एक दिन लॉन्च करूंगा। तो चलिए जल्दी से उसको लिख लेते हैं, होप करते हैं कि आप जो है इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिक्स्थ टर्म। अब देखिए यहां पे, अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, अब मैं जो है एक और एग्जांपल आपको लेके जो है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है। ऑड नंबर का एग्जांपल लेते हैं, 1+3+5+7+9+11+13, ठीक है। कितना हो गया, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 हो गया। कितना आ गया ये, कितना 7 हो गया, ठीक है। कितना आएगा, S7 आएगा। हाँ, कितना आएगा, S7 आएगा, याद रखिएगा। तो कितना आ गया S7, कितना जोड़िए, 4+5 कितना, 4+5 ने 9+7 कितना आएगा, 9+7 आएगा आपका 16 आएगा 25, और 25 और 11 आ गया आपका 36 और 13 कितना आएगा, 9 और 4 49 आ जाएगा, और यहां पे जो है वो 36, तो आपका जो है यहां पे 49 आ गया। और एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 3+5+7+9+11, ठीक है। तो यहां पे जो है, यहां पे अगर हम S6 करें, मतलब एक कम करना है, SN-1 करना है, मतलब एक कम करना है, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 36 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कि अगर हम S7-S6 अगर हम करते हैं तो कितना आना चाहिए, T7 आना चाहिए कि नहीं, क्या आना चाहिए, T7, मतलब कितना, 13 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो S7 49-36 कितना आ रहा है, 13 आ रहा है कि नहीं, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया तो कितना आ गया, 1, तो 13 आ रहा है कि नहीं। तो ये जो है ये काम की चीज है कि नहीं, इसको आप याद रखिएगा, ये गोल्डन पॉइंट है, ठीक है। तो होप करते हैं कि आप जो है इसको याद कर लिए होंगे कि SN-SN-1=TN, ठीक है, आपको निकालने का मैं बता दिया, ठीक है। ये पहला जो है ये फॉर्मूला हो गया आपका, पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो होप करते हैं कि आप जो है इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, नहीं तो जल्दी से मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, ठीक है। आज हमको मेंस का भी क्वेश्चन करना है हम लोग को, ठीक है, तो उसको भी करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो जल्दी से इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक चीज के बारे में बात करते हैं, किस चीज के बारे में, अब हम लोग जो है वो क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग अपने टॉपिक में घुसते हैं, APGPA सब में, तो हम लोग को पढ़ना क्या है, कॉमन प्रोग्रेशन कौन कौन है, क्या कॉमन प्रोग्रेशन कौन कौन है, कॉमन प्रोग्रेशन हम लोग को पढ़ना क्या है, कॉमन प्रोग्रेशन कौन कौन है बताइए, पढ़ना क्या है। पहला पढ़ना है हम लोग को AP के बारे में पढ़ना है कि नहीं, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको शुरू से पढ़ाऊंगा AP, फिर आपको क्या पढ़ना है GP, फिर आपको क्या पढ़ना है HP, फिर आपको क्या पढ़ना है AGP, फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है मिसलेनियस, फिर आपको पढ़ना है मिसलेनियस, क्या। होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे कि हम लोग को कितना टॉपिक पढ़ना है, ये आप समझ गए, तो आप APGP HP AGP मिसलेनियस, ठीक है। हम लोग जो है वो IIT का क्वेश्चन करेंगे मेंस का, और फिर जो है हम लोग एडवांस का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग को टाइम मिल सका तो हम लोग ओलंपियाड का भी क्वेश्चन करेंगे, किसका, ओलंपियाड का मैं अलग क्लास लूंगा, ठीक है, ओलंपियाड का मैं अलग क्लास लूंगा, ठीक है, उस जिसमें जो है मैं केवल टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें केवल क्वेश्चन कराऊंगा, ओलंपियाड का कभी मैं क्लास लूंगा, तो 5 क्वेश्चन एक मतलब 5 क्वेश्चन जो है वो एक लेक्चर में होंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन,
और ऐसे ही 5 क्वेश्चन एक लेक्चर में करवाऊंगा और आपको जो है वो काफी अच्छा मजा आएगा तो इस क्वेश्चन को करने में। तो चलिए हम लोग जो है वो एपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या एपी स्टार्ट करते हैं। तो ओलंपियाड का जो क्वेश्चन होता है वो एक चैप्टर से नहीं होता है, जैसे मेंस का क्वेश्चन होता है एक चैप्टर से, वैसे वो एक चैप्टर से नहीं होता है, बहुत सारे चैप्टर का मिश्रण होता है ओलंपियाड का क्वेश्चन। तो उसको मैं करवाऊंगा 5 क्वेश्चन अगर मैं करवा दूं महीने में भी तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है? क्योंकि ओलंपियाड का जो क्वेश्चन होता है उसका लेवल जो है बहुत ऊपर होता है, तो थोड़ा सा उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है हमको। मेरे पास ओलंपियाड का बुक भी नहीं है, उसको मैं पहले ओलंपियाड का क्वेश्चन को निकालूंगा तब उसको सॉल्व करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो उसके लिए दिक्कत नहीं लेना है, तो मैं आपको ओलंपियाड का भी क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। एपी, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपी क्या? एपी, पहले तो एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। होप करते हैं कि आपको तो ये मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम होगा भाई, बहुत लोग ब्रिलियंट है भाई। एपी सबको मालूम होगा, एपी क्या होता है, व्हाट इज एपी। एपी तो आपको सब लोगों को जो है वो मालूम होगा। तो एपी में जो है आपने कॉमन डिफरेंस के बारे में नाम सुना है क्या? कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये नहीं सुना है तो मैं आपको बताऊंगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो इसके पहले जो है मैं आपको बता दूं कि कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है कि अगली टर्म्स हिंदी में लिखते हैं अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, पिछली कैसे लिखे हम, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है? और ये जो है अगर कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस जो है अगर कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट के हिसाब से बदल रहा है, एक कांस्टेंट है ये, ठीक है? तो जो है तो क्या होगा, तो डेट प्रॉब्लम आर इन एपी, क्या आर इन एपी, इसको याद रखिएगा कि अगर जो है ये अगली माइनस पिछली होगा, मैं आपको बताता हूँ अगली माइनस पिछली मतलब, तो ये जो है ये कॉमन डिफरेंस जो है अगली माइनस पिछली अगर होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब जाहिर सी बात है कि वो प्रॉब्लम जो है वो एपी में होगा, ठीक है? तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है इस पे एग्जांपल करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है? तो अगली माइनस पिछली मतलब क्या भाई, अगली माइनस पिछली मतलब मैंने ये बोला कि Tn+1, अगली माइनस पिछली मतलब Tn = D, मतलब कॉमन डिफरेंस। D किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगली माइनस पिछली मतलब आगे वाला, उसके बाद उससे पीछे वाला, ठीक है? तो Tn+1 - Tn = D, कैसे मैं आपको बताता हूं, कैसे हम लोग निकालते हैं, इफ मैं आपको लिखता हूं, ठीक है? इफ T1, T2, T3, T4, T5 and T6 .. आर इन एपी, ठीक है? क्या आर इन एपी, देन क्या होगा, देन ये होगा कि T2 - T1 = T4 - T3 = T5 - T6 - T6 .. ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ, तो इसमें क्या किया हमने, इसमें पहली Tn+1 मतलब क्या किया, Tn और 1+1 3, देखिए यहां पे ये रूल लग रहा है कि नहीं, T1+1 - T1 ये रूल लग रहा है कि नहीं, देखिए यहां पे T3+1 - T3 T6 - 6+1 - T6 तो ये रूल तो लग रहा है, तो मतलब क्या ये रूल जो है वो सही है, क्या ये रूल जो है वो सही है, ठीक है? तो इसको जो है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये जो है ये तो लग रहा है, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस को फाइंड किया जाता है, क्या ऐसे ही कॉमन डिफरेंस को जो है वो फाइंड किया जाता है, मैं आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करके भी बताऊंगा, ठीक है? तो पहले इसको आप लिख लीजिए, ठीक है? पहले क्या कीजिए कि पहले जो है आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसको लिखिए तब हम लोग आगे चलते हैं। तो T1, T2, T3 आर इन एपी, देन
देन इफ T1, T2, T3 इफ T1, T2, T3, T4, T5, T6 आर इन एपी डॉट 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 आर इन एपी देन डी ऐसे निकलेगा। आप तो ये समझ गए। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और क्या करते हैं कि आगे चलते चलते हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी। तो जल्दी से लिख लीजिए, होप करते हैं कि आपने जो है वो लिख लिया होगा। तो और मान लीजिए, ठीक है, पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करना सीखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमको फाइंड करना है, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, हमने एक क्वेश्चन लिया कि 1+2+3+4+5+6+7+8 डॉट 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 डॉट, मतलब क्या कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है? T2 - T1, T3 - T2 ये सब सेम आए तब, ये दोनों अगर सेम आ गया मतलब कॉन्स्टेंट आ गया, मतलब T4 - T3 अगर ये सेम आ गया तब हम लोग जो मानेंगे कि कॉमन डिफरेंस यही होगा। तो D क्या निकलेगा? D आपका जो है वो ऐसे निकलेगा, D आपका ऐसे ही निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? जो D है वो ऐसे ही निकलेगा। तो T2 - T1 मतलब 2 - 1 कितना आएगा? 1। T3 - T2 मतलब क्या कि 4 - 3 मतलब कितना? 1। फिर आपका T3 - T2 ओहो 2 - 3 - 2 मतलब क्या? 1। फिर 4 - 3 मतलब क्या? 1। मतलब क्या, ये देख रहे हैं 1 1 1 1 1 मतलब ये क्या है, ये जो है ये कांस्टेंट है। तो सो हम लोग ये बोल सकते हैं, इसमें आप देख रहे हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आ रहा है, मतलब क्या कि D इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट, मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब 1 1 1 1 1 1 होना चाहिए। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या होगा? ये आ जाएगा एपी। ये क्या है? ये एपी हो जाएगा। ठीक है, होप करते हैं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है वो एक और एग्जांपल करते हैं और फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होप करते हैं कि आप जो है ये लिख लिए होंगे। तो हम लोग जो है इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मिटाते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 1+3+5+7+9+11 डॉट 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 डॉट, इसका अगर आपको एपी निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? T2 - T1 = T3 - T2 = T4 - T3 = D। ठीक है, तो D इज इक्वल टू क्या होगा? T2 - T1 मतलब 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, T3 - T2 मतलब क्या? 5 - 3 = कितना आएगा? 2। फिर T4 - T3 - 7 - 5 कितना आ जाएगा? 2। मतलब क्या है? क्या है ये? कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, D इक्वल टू अगर 2 है जो कि कांस्टेंट है, तो मतलब क्या कि एपी है। ठीक है, एपी है कि नहीं? होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो ये मैं आपको बेसिक लेवल से बता रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस इसको कैसे निकालते हैं। आप इसको 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। तो होप करते हैं कि आप जो ये समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी पढ़ते हैं। क्या? स्टैंडर्ड अपीयरेंस, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं? स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, रुक जाइए, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी के बारे में अभी हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी के बारे में, अगर हम स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैसे होता है स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी। A+D, A+2D, A+3D डॉट 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 A+4D, A+5D खत्म थोड़े होने वाला है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एपी। और यहाँ पे जो है ए, जो है ए को हम लोग क्या बोलते हैं? ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्यों? क्योंकि पहले आया, ये सबसे पहले कौन आया? ये आया, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। A+D को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। A+2D को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। A+3D को क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म।
ठीक है। तो होप करते हैं कि आप जो है ये समझ रहे होंगे। और यहाँ पे डी जो है, डी डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको अभी बताया कि डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और अगर हमको nth टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग, nth टर्म अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि एपी में ये जो है ये एपी में है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये एपी में है। टीएन क्या होता है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन डी, ठीक है, यही हो जाता है। मतलब क्या, मतलब आपने समझा कुछ नहीं समझा। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए प्लस यहाँ पे क्या पुट किया गया है, वन पुट किया गया है। एन के जगह पे क्या पुट कीजिए, आप वन पुट कीजिए। अगर आप एन के जगह पे वन पुट करते हैं तो एन वन माइनस वन, या देखिए यहाँ पे क्या है एपी में ये कैसे ही, वो ए कैसे आ गया। देखिए यहाँ पे एन, एन के जगह पे क्या किया हम लोग, पुट एन कर दिए, वन कर दिए, ठीक है। तो टी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला था। तो क्या आ गया, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, मतलब क्या, ए प्लस जीरो इंटू डी, जीरो इंटू डी मतलब क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब ए बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि टी एन क्या हो गया, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाए, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाए। हम लोग क्या किए कि यहाँ पे जो है वो एन इज इक्वल टू टू पुट कर दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, अब देख रहे हैं एक कम हो रहा है तो a प्लस डी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस टू डी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग n इज इक्वल टू थ्री पुट कर दिए तो a प्लस टू डी आ जाएगा। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब क्या कि a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, मतलब क्या, a प्लस टू डी, ये आ गया कि नहीं। तो होप करते हैं कि आप जो है ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो है n माइनस वन हो रहा है। अगर यहाँ पे जो है ये टर्म जो है ये कौन सी, ये थर्ड टर्म है, क्या है, ये थर्ड टर्म है कि नहीं, ये थर्ड टर्म है, n इज इक्वल टू थ्री है, ये कौन टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तब पर भी जो है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2d आ रहा है, क्या रहा है, यहाँ पे 2d आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए कि n माइनस वन कर दिए हैं। हाँ, क्या किए, n माइनस, अगर थर्ड टर्म है तो 2d आ रहा है, अगर फोर्थ टर्म है तो 3d आ रहा है, अगर फाइव टर्म है तो 4d आ रहा है, इसलिए जो है हम लोग n माइनस वन इंटू डी कर दिए, फॉर्मूला ऐसे निकला। होप करते हैं कि आप जो है इस फॉर्मूले को जो है वो समझ गए होंगे, मेन ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे निकला ये आप समझ गए होंगे कि जो है क्या हुआ है कि यहाँ पे ए ए ए प्लस डी है, ठीक है, ए प्लस डी, लेकिन ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है, ए प्लस डी आ रहा है। थर्ड टर्म में जो है वो टू डी आ रहा है, ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म में आ रहा है, एक कम देख रहे हैं, एक कम आ रहा है, ए प्लस फोर डी आ रहा है फिफ्थ टर्म में, मतलब क्या कि फाइव माइनस वन एक कम है तभी ना आ रहा है भाई। तो एन माइनस वन हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं कि ए टी एन एंथ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जो है आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। हो बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। होप करते हैं कि आप जो है आप ये समझ गए होंगे कि कैसे ये बना, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे कि कैसे ये बना। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया, ये वाला तो कंप्लीट हो गया। तो अब मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है ना। अब एक चीज, नया चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आप सोच रहे होंगे 10th क्लास में भी कि कैसे आया फॉर्मूला, तो मैंने आपको बता दिया कैसे आया फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ठीक है। तो अगर अगर डी जो है वो जीरो से बड़ा है, अगर जीरो से बड़ा है तो ये क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग एपी हो गया। क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग एपी हो गया। अगर अगर डी जो है ये जीरो से छोटा है तो ये क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग एपी हो गया। क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग एपी हो गया। अगर डी जो है ये जीरो से बराबर है तब क्या होगा, बताइए, तब क्या होगा, तब जो है ये कॉन्स्टेंट एपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट एपी। होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे
कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर डी से एपी जो है वो बड़ा हो गया, डी से बड़ा हो गया, सॉरी जीरो से बड़ा हो गया तो ये इंक्रीजिंग एपी है, अगर जीरो से छोटा हो गया तो डिक्रीजिंग एपी है, और जीरो के बराबर हो गया तो डिग्री कॉन्स्टेंट एपी है। तो होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे। तो इसे जो है हमको एक नोट लिखवाना है, ठीक है, मैजिकल पॉइंट आपको लिखवाना है, ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है एक मैजिकल पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नोट क्या है, नोट ये है, क्या नोट है कि इफ tn, क्या tn ऑफ एन एनी सीरीज, tn ऑफ एन एनी सीरीज या एनी सीक्वेंस, सॉरी अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस लिखते हैं, एनी सीक्वेंस, इफ tn ऑफ एन एनी सीक्वेंस इज लीनियर, इज लीनियर इन n, देन क्या होगा कि एन प्लस बी देन इट इज ए पी, देन इट इज ए पी मतलब नहीं समझे ना, मतलब मैं आपको समझाता हूं, इसको लिख लिया आपने, होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। अब देखिए नोट पॉइंट क्या है कि नोट पॉइंट ये है कि इफ अगर Tn जो है, Tn ऑफ एनी सीक्वेंस इज लीनियर, अगर कोई सीक्वेंस जो है वो लीनियर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लीनियर है, याद रखिए, अगर लीनियर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे है लीनियर है, ठीक है, लीनियर, तो क्या होगा कि n प्लस बी के फॉर्म में, अगर ये होगा n प्लस बी के फॉर्म में, मान लीजिए कि 3n प्लस 5 है, तो ये आप जान लीजिए कि अगर ये इस फॉर्म में होगा तो समझ जाएगा कि ये AP है, मतलब अगर ये इस फॉर्म में होगा 7n प्लस 6 तो ये क्या होगा कि ये AP में होगा, ठीक है। तो होप करते हैं कि आप जो है ये इसको समझ गए होंगे कि कब AP में होगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग जो है वो एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए लिख लिया आपने ये वाला, अगर मान लीजिए कि हमने 2n प्लस 3 रख दिया, क्या रख दिया, 2n प्लस 3 रख दिया, तो क्या आएगा, 2n प्लस 3 रख दिया, n प्लस b के फॉर्म में रखा है, देखिए यहाँ पे 2n प्लस 3 रख दिया तो क्या आएगा, n की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा 5, फिर n की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो 13, क्या n की जगह पे अगर हम 3 रखते हैं, सॉरी 13 कैसे आ जाएगा, n की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2, 4, 7 आ जाएगा, n की जगह पे अगर हम 3 रखते हैं तो 2 6 6 6 6 और 3 9, फिर आपका आ जाएगा 2 4 8 8 3 11, फिर आपका आ जाएगा 4 4 2 8 8 3 11 4 10 13, ऐसे ही आते रहेगा, 13 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 17, तो ऐसा ही जो है ये आते रहेगा कि नहीं, तो ये जो है ये देख रहे हैं ये जो एपी में है कि नहीं, ये क्या है, ये एपी में है, आप देख पा रहे हैं कि ये एपी में है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कुछ किस फॉर्म में रख दिए, 7n+9 रख दिए, ठीक है, तो क्या होगा कि 7n+9 थोड़ा सा भारी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा भारी हो जाएगा, तो 7 को अगर हम 7 × अगर n = 1 रख दिए तो 7+9 कितना आ जाएगा, 7+9 आ जाएगा आपका 15, फिर कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 7 × 2 = 14 आ जाएगा आपका 23, फिर कितना आ जाएगा आपका 7 × 3 = 21, तो 21 और 9 कितना आ जाएगा 30, कितना का डिफरेंस है 7 का, फिर आ जाएगा कितना 37, फिर आ जाएगा कितना 44 ... ऐसे ही आते रहेगा। तो ये किसमें है, ये किसमें है, ये एपी में है कि नहीं। तो अगर आपको इस फॉर्म में दिया है ए एन प्लस बी फॉर्म में, अगर आपने लिखा है इसको ए एन प्लस बी फॉर्म में, अगर आपने लिखा है एपी को, अगर आपको ये ऐसा दिख गया ए एन प्लस बी फॉर्म में कोई भी चीज दिख गया तो समझ जाएगा पहले ही कि वो एपी में है, क्या वो एपी में है, वो एपी में है, ये गोल्डन पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्या इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको लिखवा दिया ये फॉर्मूला नंबर 3, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए कि ये ऐसा होगा, क्या ये ऐसा होगा, क्या ये ऐसा होगा, ठीक है। होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको जो है लिख लिया, होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो इसको मिटा के और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, चलिए। हाँ, तो बात ऐसा है भैया,
बात क्या है, बात ऐसा है भैया कि इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जादू, जादू तेरी नजर। अगर मान लीजिए कि हमने जो है वो TN इज इक्वल टू एन प्लस बी रखा है, ठीक है, क्या रखा है, TN इज इक्वल टू एन प्लस बी रखा है, ये भी एक फॉर्मूला निकलेगा, देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हमने n माइनस वन रख लिया, इसी को जो है वो n माइनस वन में रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस वन प्लस बी आ जाएगा कि नहीं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको जो है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं इसको, इसको अगर हम माइनस कर देते हैं TN माइनस TN माइनस वन, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो क्या आ जाएगा ये बताइए तो हमको, AN प्लस बी, ठीक है, और इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो माइनस AN माइनस A प्लस बी, क्या, तो ये प्लस बी ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, TN माइनस TN माइनस वन इज इक्वल टू A, इज इक्वल टू A, इज इक्वल टू A। और आपने जो है एक चीज और देखा होगा, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया एक, और ये आपका फोर्थ फॉर्मूला हो गया, तो थर्ड नंबर का फर्स्ट नंबर का जो फॉर्मूला था वो ये था TN माइनस TN माइनस वन इज इक्वल टू D। हाँ, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, A इज इक्वल टू D when when TN माइनस TN माइनस वन, ये हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, कि A इज इक्वल टू D। मैं आपको बताऊंगा कैसे, मैं आपको बताऊंगा कैसे, ये आपने फॉर्मूला आपका वन है, ठीक है, वन, और ये फोर्थ है, तो A यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, मतलब क्या कि A इज इक्वल टू D होगा क्या, मैं आपको ये चीज बताऊंगा, ठीक है, तो यहाँ ये वाला जल्दी से लिख लीजिए आप, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, आपका फोर्थ फॉर्मूला है, आपको यह याद दिलवा रहा था कि TN अगर हम इसको ऐसे लिख दिए तो हम लोग जो है वो ये मिल गया, तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि AN प्लस B है, तो आप पहले ही समझ जाएगा कि ये जो AP में है, अगर हम इसको ऐसे लिख दिए कि nth टर्म इज इक्वल टू AN प्लस B और n माइनस वन टर्म इज इक्वल टू A n माइनस वन प्लस B, तो इसको जो है अगर हम इसमें माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्शन कर दिए इसका, तो A आ जाएगा कि नहीं है, मतलब क्या, जल्दी से आपने इसको लिख लीजिए, तो होप करते हैं कि आपने जो है इसको लिख लिया होगा, तो देखिए आप एक एग्जांपल देखिए, क्या एक एग्जांपल देखिए, क्या एक एग्जांपल, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 5n माइनस 7, क्या ले लिया 5n माइनस 7, ये किस फॉर्म में है, ये उसी फॉर्म में है, an प्लस बी के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, an प्लस बी के फॉर्म में है, तो मैंने आपको बताया कि d a इज इक्वल टू d, मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस का क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसका डायरेक्ट 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, जो a है वही आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, क्या यही आपका आंसर हो गया, जैसे जस्ट एग्जाम्पल एक और 7n प्लस 5 an प्लस बी, 7n प्लस 5 an प्लस बी, ए एन प्लस सेवन एन प्लस फाइव, या मान लीजिए हम लोग ने ले लिया 13n+7, ठीक है, या 13n+8 ले लिया, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो डी हमको निकालना है, तो डी मेरा क्या हो जाएगा, डी मेरा 13 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, वो भी 13 हो जाएगा, दोनों सेम होगा, होप करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, अगर ये इस फॉर्म में होगा तो क्या, अगर ये इस फॉर्म में होगा तो यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में ये जो है ये आ गया होगा, ठीक है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, ठीक है, 7n 5n प्लस, अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, n पुट करते हैं अगर तो 7 प्लस 5 12 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका 7, 5 टू 10 10 17 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 5 3 15 15 और 7 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा कि नहीं, और फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 5 3 15 5 4 20 22 27, ठीक है, तो इसमें आपने एक चीज नोटिस किया कि क्या आ जाएगा आपका, मैंने क्या बोला था 5 बोला था, डी क्या होता है, डी होता है T2 माइनस T1, हाँ, तो T2 माइनस T1 कितना है 17 माइनस 12, कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये ऐसे निकलेगा, होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को अभी हम लोग अंजाम देंगे,
होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और अब हम लोग जो है वो बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चन है, ये भी जो है ये एपी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये एपी का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इसका इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? यहाँ पे क्या है? ये तीन है। क्या है? ये तीन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एन प्लस वन है, फिर आपका थ्री एन है, फिर आपका फोर एन प्लस टू है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है वो एपी में है। तो देन फिफ्थ टर्म इज, ये थर्ड टर्म जो है और आपको फिफ्थ टर्म निकाल के बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो ये वाला करेंगे। तो ये हम लोग कैसे निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट कैसे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू। निकलता है कि नहीं? ऐसे निकलता है, मैंने आपको पहले बता चुका है। तो टी टू थ्री एन माइनस टी वन एन प्लस वन इज इक्वल टू टी थ्री फोर एन प्लस टू माइनस थ्री एन माइनस थ्री एन। तो थ्री एन माइनस एन कितना आ जाएगा, टू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस टू। हाँ, तो ये कैसे हो? मैंने आपको ये चीज बताया था, डिस्क्रिमिनेंट निकालना जो है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। क्या सिखाया? कॉमन डिफरेंस निकालना जो है मैंने आपको सिखा दिया है। कॉमन डिफरेंस कैसे, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू। हाँ, ये तो मैंने आपको सिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पे कि d इज इक्वल टू जो है, अगर हम ये करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी टू मैंने कितना है, टी टू मैंने थ्री एन माइनस एन प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, फोर एन प्लस टू माइनस थ्री एन है कि नहीं। तो अब इसको जो है हम लोग टू एन प्लस वन लिख सकते हैं कि नहीं, और इज इक्वल टू जो है इसमें हम लोग एन प्लस टू लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा एन इज इक्वल टू थ्री। आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए कि एन इज इक्वल टू थ्री आ रहा है कि नहीं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई किए तो एन इज इक्वल टू थ्री आया मेरा। अब ठीक है, बात ठीक है, ठीक है कि नहीं। पहले तो हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस जो है वो निकाल लिया, क्या डी निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग एपी निकालते हैं इसका, क्या एपी निकालते हैं। एपी में कैसा है, ये एन प्लस वन है, एन का वैल्यू क्या है भाई, थ्री है। पहला क्या है, एन प्लस वन है, फिर थ्री एन है, फिर फोर एन प्लस टू है। तो n का वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 प्लस 1, फिर 3 इंटू थ्री, फिर 4 इंटू थ्री प्लस 2, है कि नहीं। तो 4 है, फिर आपका AP में क्या है, AP में आपका 4 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 4 प्लस 3 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना है 14, फिर आपका 14 है कि नहीं। अगर हम इसको AP में कर दें तो ये आ जाएगा कि नहीं, ऐसा आ जाएगा 4 9 14। तो होप करते हैं कि ये आपको मालूम हो गया, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है वो d तो निकाल लिए थे, d इज इक्वल टू 3 था, क्या था, d इज इक्वल टू जो है वो 3 था। कि हम लोगों ने d क्यों निकाला था शुरू में, सो हम लोग अभी भी इसका d निकालेंगे, इसका d अलग आएगा, इससे क्यों आएगा मैं आपको बताऊं। इसका d जो है इसको हम लोगों ने निकाला था n का वैल्यू को फाइंड करने के लिए, क्या n का वैल्यू को हम लोग को फाइंड करने के लिए, कि इसमें हम लोग जो है वो पुट कर सके, क्या इसमें जो है हम लोग पुट कर सके और इसको AP बना सके। अब हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस लेंगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब हम लोग जो है वो इसका कॉमन डिफरेंस लेंगे। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा, कि पहले हम लोगों ने क्या किया, t2 माइनस t1 t3 माइनस t2, ये हम लोगों ने किया। यहाँ पे d मिटा दीजिए, अगर d नहीं लिखना चाहते हैं तो, ये हम लोगों ने किया। तो इससे हम लोग का क्या आ गया, इससे हम लोग का n इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, होप करते हैं कि आपने जो है ये वाला लिख लिया होगा, ठीक है। तो क्या आया था, 4 9 और 14, क्या आया था एपी में, एपी में आ गया था आपका 4 9 और 14, ठीक है, 4 9 और 14 आ गया था। तो 3 को टर्म था, तो a कितना हो गया, a इज इक्वल टू हो गया 4, और d कितना हो गया, t2 माइनस t1 कितना आ गया, 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया, d इज इक्वल टू आ गया 5, कितना आ गया, d इज इक्वल टू आ गया 5। अब देखिए यहां पे, अब हम लोग क्या करेंगे, कि अगर हमारा d इज इक्वल टू 5 आ गया, क्या आ गया, अगर हमारा d इज इक्वल टू जो है वो 5 आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग,
हम लोग उसके बाद nth टर्म निकालेंगे, कौन टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो t इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, यही फार्मूला होता है, पहले हम लोग इसमें बैठाएंगे, ठीक है। तो tn क्या निकालना है, tn पहले हम लोग इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, 4 प्लस n माइनस 1 इनटू d, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं की क्या बोल सकते हैं, बताइए क्या बोल सकते हैं, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 5, हां। तो n इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू 4 प्लस 5n माइनस 5। अब देखिए यहां पे कि 5n माइनस 5 है, हां है कि नहीं, tn इज इक्वल टू, तो tn इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये tn इज इक्वल टू बन जाएगा 5n माइनस 1, क्या बन जाएगा 5n क्या बन जाएगा ये 5n माइनस 1, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 5n माइनस 1, क्या बन जाएगा 5n माइनस 1 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। और हम लोग जो है वो n को यहां पे पुट कर देंगे, तो t कितना निकालना है, t 5 का निकालना है, किसका निकालना है, फिफ्थ टर्म का निकालना है, किसका निकालना है, फिफ्थ टर्म का निकालना है। तो 5 into 5 माइनस 1 कितना आ गया, 25 माइनस 1 कितना आ गया, 24। होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे कि आपका जो आंसर है वो 24 आ गया है। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूं कि पहले हमने क्या किया, कि पहले हम लोगों ने n का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है क्या किया कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2 कर दिया, जिससे हम लोग का जो है वो n का वैल्यू आ गया। अब हम लोग जो है वो इसको ap बना दिए n का वैल्यू पुट करके। अब हम लोग इसका a निकाले, a फर्स्ट टर्म निकाले तो जो कि 4 था, और हम लोगों ने इसका d निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला, तो हमारा जो है 5 था, 5 आया। अब हम लोगों ने जो है कितना निकाला था, फिफ्थ टर्म निकालना था, कि कौन टर्म निकालना था, फिफ्थ टर्म। तब हम लोगों ने इसका फिफ्थ टर्म निकाल दिया फार्मूला बैठा के, ठीक है। तो होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे। अगर आपको इतना ये लंबा लग रहा है तो ये छोटा में बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस मेहनत है, ये छोटा में भी जो है वो आराम से बन सकता है। ऐसा बन जाएगा, ये छोटा में भी आराम से बन सकता है। देखिए यहाँ पे ये इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं था, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको यहां से लेके यहां तक का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये हमने ये इसको मैंने इसलिए इतना सिंपलीफाई किया ना, कि मैं देख रहा था एक सिंपलीफाई करके भी बनाना चाहिए ये वाला, पहले हम लोग सिंपलीफाई कर ले फिर डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक सिंपलीफाई बिना किए हुए डायरेक्ट आंसर अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं फटाक से। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो जल्दी से देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि अगर हमको बिना सिंपलीफाई किए डायरेक्ट आंसर निकालना है वैल्यू बिठा के, तो tn इज इक्वल टू क्या करेंगे, a कितना है 4 है, ठीक है। और हम लोग को किस फिफ्थ टर्म का निकालना है, तो यहाँ पे t 5 कर देंगे, n इज इक्वल टू क्या हो गया, तब n इज इक्वल टू हो गया आपका 5, क्या हो गया, n इज इक्वल टू 5 हो गया। तो 5 माइनस 1 इंटू ये d कितना है 5 है, ठीक है। तो 4 प्लस 4 इंटू 5 तो कितना आ गया, 4 प्लस 20 मतलब कितना आ गया 24, T5 is equal to कितना आ गया, T5 is equal to आ गया 24 answer। Hope करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे कि 24 कैसे आया। और चलिए अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट, अब हम लोग जो है स्टार्ट किया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जो है उसको लिख लिया लिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वो जेई मेंस का एक क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो अब हम लोग जो है वो जेई मेंस का एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। किसका क्वेश्चन करेंगे, जेई मेंस का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो है वो जेई मेंस का क्वेश्चन करेंगे, और फिर जो है हम लोग एक फॉर्मूला राइज करेंगे, और फिर हम लोग जो है वो छुट्टी करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जो है वो मेंस, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे जो है वो जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, तो ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है, व्हाट टॉप क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये, चलिए इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि फॉर ए नेचुरल एन लेट अल्फा एन इज इक्वल टू 19 अल्फा माइनस 12 बीटा, क्या अल्फा एन इज इक्वल टू 19 अल्फा माइनस 12 अल्फा, क्या माइनस 12 अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ 31 अल्फा 9 माइनस
अल्फा 10 बाई 57 अल्फा 8, क्या 57 अल्फा 8 का जो है हम लोग को जो है वो वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है हम लोग को जो है वो वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो चलिए जो है अब हम लोग जो है इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपने देख लिया कि हम लोग को ये वाला निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है वो इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे बताइए। पहले आप जो है वो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इसमें लगेगा, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगा, फिर इसमें जो है अगर ये ऐसा क्वेश्चन है अल्फा वाला क्वेश्चन है ना, तब इसमें जो है ये पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगा, फिर इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला लगेगा, तब ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो होप करते हैं कि आप इस वीडियो को पॉज कर लिए और पॉज कर लीजिए और इसको बनाइए, ठीक है। होप करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लिए होंगे, तो अब हम लोग जो है वो खुद से ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को रूट निकालना है। तो वी राइट ए क्वाड्रेटिक, विथ ए रूट क्या 19 और 12 निकालेंगे, रूट तब है ना, अल्फा एन लिखा हुआ है, तो इसका जो रूट है ये दिस है, दिस 19 का अल्फा माइनस 12 का अल्फा, तो ये हमको क्या निकालना होगा, वी राइट ए क्वाड्रेटिक विथ रूट दिस 19 और 12 निकालना होगा। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये अल्फा बीटा है, क्या है ये क्या है, ये अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 19 प्लस 12 कितना होता है, 19 प्लस 12 होता है 31, होता है कि नहीं, यहाँ पे जो है वो 31x मान लिया हम लोग यहाँ पे 31x, ठीक है, और प्लस 19 इंटू 12 कितना होता है, 19 इंटू 12 3 3 9 2 18 का 1 2 3, ठीक है, 9 और 1 8 8 और 9 3 12 12 का 1 और 2 2 2 8 2 2 8 होता है, ठीक है, 2 2 8 इज इक्वल टू जीरो। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, ये हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है, ये हम लोगों ने जो है वो रीड किया है, हाँ, ये कुछ ये जो है ये हम लोगों ने जो है वो इतना रीड कर लिया है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इससे हम लोग निकालते हैं 19 और 12, ये इसी से ना रूट निकलेगा 19 और 12, इसी से ना। तो हम लोगों ने देखा आपने कि रूट था हम लोग के पास और हम लोगों ने इक्वेशन बना दिया, रूट था, पहले क्या बोले थे कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा फिर इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला रहेगा, तो न्यूटन्स फॉर्मूला तो बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, तो न्यूटन्स फॉर्मूला के बारे में बताता हूं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जो है इस स्टेप तक समझ लीजिए, समझ लिया आपने इस स्टेप तक, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा एन इज इक्वल टू 19 अल्फा माइनस 12 अल्फा, अब इसको हम लोग जो है वो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा जो है वो लिख सकते हैं। अब न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, न्यूटन्स फॉर्मूला ये बोलता है बाय न्यूटन्स फॉर्मूला जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, और इससे जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है, बाय न्यूटन्स फॉर्मूला वी गेट, न्यूटन्स फॉर्मूला से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, एक क्वेश्चन ही आया है कि मैं आपको बता सकूं कि ये एक क्वेश्चन आया है, न्यूटन्स फॉर्मूला से हजारों क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे आईआईटी मेंस और एडवांस में, ज्यादातर एडवांस में आ चुके हैं न्यूटन्स फॉर्मूला से क्वेश्चन, और हर साल 2 क्वेश्चन आना फिक्स है न्यूटन्स फॉर्मूला से, इसलिए जो है वो क्वाड्रेटिक का न्यूटन्स फॉर्मूला को जो है वो अपने जुबान पे रखिए, ठीक है, क्या कीजिए, अपने जुबान पे रखिए न्यूटन्स फॉर्मूला को। तो आप देखिए यहाँ पे कि जो न्यूटन्स फॉर्मूला है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए क्या किया जाता है, कि इसके लिए ये किया जाता है, ठीक है, इसके लिए मैं बताता हूँ क्या किया जाता है, कि इसके लिए जो है वो देखिए यहाँ पे ये क्या था, ये रूट था, ठीक है, ये रूट था, यही वाला एक्सप्रेशन को जो है वो एक्स को जो है वो अल्फा में बदल दिया जाता है, स्क्वायर बाय स्क्वायर नहीं देखा जाता है, अब पहले अल्फा फिर अल्फा ए, क्या है ये 3 टर्म का है, मतलब क्या
इसमें जो है इसमें क्या किया जाता है कि इसमें अल्फा में सबको बदल दिया जाता है। अगर मान लीजिए जो चार टर्म का रहता मतलब यहाँ पे क्यूब रहता तो यहाँ पे लिखा जाता, यहाँ पे अगर क्यूब रहता ठीक है तो यहाँ पे लिखा जाता अल्फा एन प्लस फोर, यहाँ पे क्या लिखा था यहाँ पे स्क्वायर में है मतलब एन प्लस सॉरी यहाँ पे थ्री लिखा जाता है एन प्लस थ्री, यहाँ पे कितना है टू लिखा जाएगा, फिर 31 अल्फा एन प्लस वन, फिर 228 अल्फा, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 228 अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो। क्या यही बोलता है हम लोग का न्यूटन्स फॉर्मूला, क्या बोलता है न्यूटन्स फॉर्मूला कि आप अगर एक्स है अगर वो स्क्वायर में है तो आप इसको अल्फा एन प्लस टू लिख सकते हैं, अगर ये सिंगल में है सिंगल मतलब ये लीनियर में है अगर तो 31x है मान लीजिए तो ठीक है तो 31 अल्फा प्लस 1 लिखिए अल्फा एन प्लस 1, अगर ये मतलब कोई नहीं है कुछ नहीं है तो मान लीजिए 36 है ठीक है और x ओस कुछ नहीं लगा हुआ है केवल कांस्टेंट है ठीक है कांस्टेंट टर्म है तो आप लिखिए 38 अल्फा n, तो आप क्या मतलब ये जो है ये आप लिखना शुरू कर दीजिए, एक्स मत लिखिए अल्फा लिखिए, अल्फा में इसको बदल दीजिए। तो ये बोलता है हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला। तो अब हम लोग जो है वो अब यहां तक पहुंच गए हैं, क्या किए अब हम लोग जो है वो यहां तक पहुंच गए हैं, पहुंच गए कि नहीं जल्दी से इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। होप करते हैं कि आपने जो है वो यहां तक लिख लिया होगा। तो अब हम लोग जो है वो ये ऊपर वाला जो है ये सब मिटा देते हैं, तो जल्दी से इसको एक 5 सेकंड का और मैं टाइम देता हूं, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए ठीक है। होप करते हैं कि आपने जो है अब लिख लिया होगा ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन ही मिटाता हूँ, ये अल्फा ए ठीक है, ये वाला जो है ये मैं नहीं मिटाता हूँ, यहां तक जो है वो मैं मिटा देता हूँ ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला तक जो है वो मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला फॉर्म आ गया क्या, अल्फा एन प्लस टू प्लस अल्फा सॉरी 31 अल्फा एन प्लस वन प्लस 200, ओ यश मैन यहाँ पे 31 क्या है भाई, 31 अल्फा माइनस अल्फा 10 बाई 57 अल्फा 8, यही क्वेश्चन था ना, ये ना क्वेश्चन था, जी हाँ यही क्वेश्चन था, क्या अगर देख लेने जो क्वेश्चन आपको दिमाग में, हाँ यही क्वेश्चन था ठीक है। तो ये जो था यहाँ पे आ जाएगा आपका 228 अल्फा n ठीक है इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग n के जगह पे जो है वो 8 को पुट कर रहे हैं, पुट n इज इक्वल टू 8, मैंने क्यों बोला कि 8 को पुट कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे, यहाँ पे नीचे जो है वो 8 है डिवाइड में 8 है ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है वो डिवाइड वाले पार्ट में जो लिखा हुआ है उसी को ऐड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे ये पूरा सिंपलिसिटी है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया गया ठीक है, अगर आप किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं तो वो पूरा कट छट के जो है वो लिखा जाता है नीचे, नीचे वाला मेन होता है, तो n इक्वल टू 8 कर दिया हम लोगों ने, तो क्या आ गया हमारा अल्फा 10 प्लस 31 अल्फा 9 प्लस 228 अल्फा 8 इज इक्वल टू 0, यही आ गया कि नहीं, होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जो है वो देखिए यहां पे, होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जो है वो इसको इधर ले जाएंगे, किसको इसको इधर ले जाएंगे ठीक है, किसको इधर ले जाएंगे वो इसको इधर ले जाएंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 31 अल्फा 9 प्लस अल्फा 10 ठीक है, क्या 31 अल्फा 9 प्लस अल्फा 10 इज इक्वल टू 228 अल्फा 8, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ये बताइए आप हमको, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं इसको, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने ऐसा किया वो यहां पे था, अल्फा एन
माइनस ना होगा भाई, क्वेश्चन एक बार देख लेना, यहाँ पे जो है एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर माइनस हो गया, यहाँ पे आप माइनस लिख देगा, ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस लिख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इक्वेशन में भी माइनस हो गया था ना, इसलिए यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। क्या था इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 228 था ना, इसलिए यहाँ पे माइनस था, ठीक है, ये इक्वेशन में जो है वो माइनस था। मैं आपको क्वेश्चन एक बार और समझा दूं क्या, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो है वो आप माइनस को लिख लीजिएगा। तो अगर हम जो है, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं कि अगर हम जो है, अगर ये माइनस में है, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस तक है, ठीक है, माइनस में, तो हम लोग एक काम कर देते हैं कि हम लोग जो है वो इसको ऐसे लिख देते हैं, तो अल्फा का पावर 9 और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, और ये जो है ये माइनस में आ जाएगा, क्या इसमें जो ये जो है ये माइनस में आ जाएगा कि नहीं, और इधर जो है हम लोग इसको इधर भेज देते हैं, तो माइनस 228 अल्फा 8, तो ये दोनों जो है ये माइनस माइनस जो है ये कट जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा अल्फा का अल्फा 9 माइनस 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 इज इक्वल टू 228 अल्फा 8, ठीक है। होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग जो है इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड जो है वो कर देंगे, डिवाइड बोथ बाई अल्फा 8, क्या अल्फा 8 से जो है, अल्फा 8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, या 57 अल्फा 8 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, किसको, इसको जो है हम लोग 57 अल्फा 8 से जो है हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, क्योंकि हमको ऐसा लाना है, ये वाला लाना है, तो 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 बाई 57 अल्फा 8 इज इक्वल टू 228 अल्फा 8 बाई 57 अल्फा 8, ठीक है, तो अल्फा 8 से अल्फा 8 गया और 57 228 से 4 बार में गया, तो आपका जो है वो आंसर आ गया 4, गया कि नहीं। तो होप करते हैं कि आपको जो है ये समझ में जो है वो आ गया होगा, ये जो है ये आपको समझ में जो है वो आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ कि पहले जो है हम लोगों ने क्या किया कि सबसे मेन क्या होता है ना, कि सबसे मेन आपको इक्वेशन लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, इस फॉर्म में बदलता है ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में बदलता है कि नहीं, तो आपको इस फॉर्म में इक्वेशन को बदलना है। एक बार आपने इसको इक्वेशन बदल लिया तो फटाक से न्यूटन्स फॉर्मूला लिखा आपने, और न्यूटन्स फॉर्मूला फटाक से बैठा दिया, क्या किया, न्यूटन्स फॉर्मूला फटाक से लिखा आपने, पहले आपने ये इससे आपने क्या बनाया, इक्वेशन बनाया, क्या बनाया, इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाया, इससे जो है आपने इक्वेशन बनाया, ठीक है, आपने इक्वेशन बना लिया। अब क्या कीजिए आप कि आप इसी को जो है इसी को थोड़ा सा इधर करके इधर उधर करके लिख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या मतलब आपने इक्वेशन बना लिया, ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए कि अब इसमें जो है आप न्यूटन्स फॉर्मूला लगा दीजिए। मैंने आपको बताया कि अल्फा एन प्लस टू प्लस क्या 31 अल्फा एन प्लस 1 प्लस 228 अल्फा एन तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 8 आप लिख दीजिए, पुट एन इज इक्वल टू 8, ठीक है, क्या कीजिए कि पुट जो है वो n इज इक्वल टू 8 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे n इज इक्वल टू 8 था, अल्फा n इज इक्वल टू 8 था यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये पुट कर दिया। और हम लोगों को क्या करना था कि हम लोगों को ऐसा लाना था, ऐसा कैसा लाना था, इसको इसके जैसा इसको मिलाना था, किसका तभी ना इसका वैल्यू आप निकालिएगा, तो इसके जैसा हमको इसको मिलाना था। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम 9 को यहाँ बैठाते तो ऐसा नहीं आएगा, तो हम लोग 8 को अगर यहाँ पे बैठा देते हैं तो एकदम ऐसा ही आ जाएगा, तो हम लोगों ने इसको ऐसे किया और फिर हम लोग जो है उसको माइनस में इसको गिवन लिए और हम लोगों ने इसको काटा कुटा और डिवाइड कर दिया 57 अल्फा बाई 8 से, और हम लोग का आंसर जो है वो आ गया। होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे, सबसे मेन चीज था कि इक्वेशन को बनाना था। तो आप सोच रहे होंगे कि एपी में इक्वेशन कहां से आ गया, तो देखिए एपी में इक्वेशन कहां से आ गया, ये मेंस है भैया, तो एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो होप करते हैं कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो समेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी करते हैं, ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं समेशन ऑफ एन एपी, क्या समेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, क्या समेशन ऑफ एन nth टर्म टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है,
ये आपका जो है, ये आपका मैंने इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या कहानी है भैया कि आप अक्सर स्कूल अगर जाते होंगे तो स्कूल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो अगर टीचर मान लीजिए एक स्टोरी था, ठीक है, कि एक बच्चा था उसका नाम क्या था, उसका नाम था शिव, ठीक है। क्या नाम था उसका? नाम था शिव, ठीक है। वो क्या था कि वो बहुत मतलब उसका एक बच्चा था उसका नाम था शिव। तो क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, क्लास में क्या थे, बहुत सारे बच्चे थे। तो टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो टीचर जब क्लास से चले जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे हल्ला करने लगते हैं। तो टीचर ने तो प्रिंसिपल ने वो टीचर को बुलाया। तो प्यून ने आके टीचर को बोला कि सर आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। तो इस बात का टीचर को डर था कि कहीं बच्चे जो है वो हल्ला ना करने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि 1 से 100 तक जो है आप लोग जो है वो जोड़ के बता दीजिए हमको। क्या कीजिए कि 1 से लेके 100 तक आप हमको जोड़ के बताइए। क्या कीजिए कि आप जो है हमको 1 से लेके 100 तक जोड़ के बताइए, ठीक है। तो सब बच्चे है कि मैं कि थोड़ा देर में मैं आ रहा हूँ और सब बच्चे भी बिजी रहेंगे इसको बनाने में, बना नहीं पाएंगे क्योंकि वो सब बच्चे जो थे वो 5 क्लास के थे। तो 5 क्लास के बच्चे तो ये सब जोड़ नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यही किया, ठीक है, उन्होंने जो है वो यही किया और डायरेक्ट क्या किया कि यही कर दिया। और फिर क्या हुआ कि फिर वो आए, उधर से आए प्रिंसिपल का बाप से फटाक से नहीं आ गए। तो सब बच्चों से पूछा कि किसी से बनाइए। तो उनको तो मालूम था कि 5 क्लास के बच्चे हैं, नहीं बनेगा इनसे। तो उसमें से एक बच्चा जो था जिसका नाम था शिव, वो जो है वो उठा, बोला कि सर बन गया। तो उसने कैसे बनाया था मैं आपको बताता हूँ। पहले उसने जो है वो 1 से 100 तक जोड़ लिया, ठीक है। क्या किया हमको, क्या करना था कि 1 से 100 तक जोड़ के बताना था कि कितना आएगा, क्या 1 से 100 तक जोड़ के बताना था। तो उसने क्या किया कि 1, 2, 3 प्लस डॉट 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 11 तक 100 तक जो है वो आगे से जोड़ा। क्या किया कि आगे से जो है वो जोड़ दिया, ठीक है। अब इधर से अब पीछे से भी जोड़ दिया 101 प्लस सॉरी 100 प्लस फिर आपका 100 जोड़ा पहले, फिर 99 फिर 98 फिर 97 डॉट 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 1 तक जोड़ दिया, ठीक है। फिर उल्टा जोड़ दिया इसको, हाँ। तो फिर कितना आ गया 101 आ गया, जोड़ 101 आ गया, जोड़ 101 आ गया, जोड़ 101 आ गया, डॉट 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 101 तक आ गया। तो इससे ये निकला, इससे इसने क्या किया और फिर इसने क्या किया कि 101 था, ठीक है। 101 कितना बार था, 100 बार था। कितना बार था, 100 बार था। और इसने कितना से जोड़ा था, कितने नंबरों से जोड़ा था, 1 और 2 नंबर से। तो इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका जो आ गया, इसका 5050 जो है वो आंसर आ गया। कितना आ गया, 5050 आंसर आ गया। तो टीचर भी जो है वो चौंक गया। तो देखिए यहाँ पे इसने शिव ने ये किया, ठीक है। तो वही जो है हम लोग अभी करने वाले हैं एपी में, यही वाला जो है हम लोग एपी में करने वाले हैं। इससे आपका एक चीज निकल गया कि 1 से 100 तक का जोड़ होता है वो 5050 होता है। कितना, 5050 होता है। पहले क्या किया कि 1 से 100 तक सीधा जोड़ दिया, अब 100 से 1 तक उल्टा जोड़ दिया। तो 101 आ गया। कितना बार आया, 100 बार आया। तो गुना कर दिया 100 से और डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि दो बार जोड़ा था इसलिए ना आया, क्योंकि दो बार जोड़ा तब ना 101 आया, तो इसलिए ऐसा कर दिया, ठीक है। तो आपका जो है वो आंसर आ गया 5050, ठीक है। तो होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है वो इसमें इसको जो है वो एपी में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं एपी के बारे में, ठीक है। तो SN क्या, SN इज इक्वल टू a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट 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 कितना तक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ, कहां तक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक, ठीक है। और इसको जो है इसको, हाँ, तो इसको हम लोग जो है वो यहां से यहां तक जोड़ के बताना है। क्या करना है, यहां से यहां तक जोड़ के बताना है। तो कभी बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, कभी बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इसको हम लोगों ने क्या किया कि फिर से इसको जो है जैसे शिव किया था वैसा ही हम लोग कर रहे हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको उल्टा लिख दिया। फिर क्या लिखा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, क्या कर दिया हम लोगों ने, देखिए यहां पर
यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया कि n माइनस टू कर दिया और फिर d कर दिया प्लस प्लस a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी कर दिया, ठीक है, डॉट 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 से लेके a तक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इसका उल्टा लिख दिया, ठीक है, उल्टा लिख दिया, लिख दिया कि नहीं, इसको उल्टा लिख दिया। अब हम लोगों ने जो है इसको जोड़ा, क्या किया, इसको जो है वो जोड़ दिया, जैसे शिव ने जो है वो इसको जोड़ दिया था, तो इसको 2SN आ गया और यहाँ पे जो है वो a प्लस n, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये वाला, हाँ ये कितना आ गया, फिर ये वाला कितना आ गया, और फिर ये वाला कितना आ गया, ये बताइए। तो पहले हम लोग का क्या आया, a, a से कितना आ गया, a से आ गया आपका, इसको जो है वो जोड़ दिया, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फिर आ गया इसका 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फिर आ गया इसका 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, डॉट 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 ऐसे ही आते गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी तक आते गया, ठीक है। तो उसने क्या किया भैया, उसने इसको जोड़ा था, जोड़ दिया, जैसे 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 शिव ने जोड़ा था वैसे हम लोगों ने भी जोड़ दिया, जोड़ दिया कि नहीं, हाँ। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ गया ये बताइए, हम लोग अब इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 2SN इज इक्वल टू n 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ गया कि नहीं, 2a n माइनस वन इंटू डी आ गया कि नहीं, इसका जो आंसर है वो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ गया कि नहीं, n माइनस वन इंटू डी आ गया कि नहीं। शिव ने जो है वो इसको ऐसे ही जोड़ा था, जैसे जोड़ा था वैसे हम लोगों ने भी जो है इसको जोड़ के इतना लाया, लाया n से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक टोटल को n का कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, n को कॉमन ले लिया, n को कॉमन लिया, nth टर्म तक निकालना था, कहां तक निकालना था, nth टर्म तक निकालना था, nth टर्म तक निकालना था, तो हम लोगों ने n को कॉमन ले लिया, तो सब एक ही बार आ गया, 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, क्योंकि सब सेम था, सेम था कि नहीं, तो इसी से फॉर्मूला एक बन गया कि Sn इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, कैसे आया ये फॉर्मूला, ये आपको शिव ने बताया, कैसे आया ये फॉर्मूला, ये आपको किसने बताया, ये आपको शिव ने बताया, किसने बताया, ये आपको शिव ने बताया। तो देखिए यहां पे मार्कर ढूंढ रहा था मैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है ये इतना बड़ा फॉर्मूला ये ऐसे आया, ठीक है, ये कैसे डिराइव हुआ, ऐसे डिराइव हुआ, पहले जो है इसको सीधा जोड़ा, फिर उल्टा जोड़ दिया एन टर्म तक, फिर इसको ऐसे कॉमन ले लिया, फिर इसको जोड़ देके देखा कि सेम आ रहा है, तो 2SN इज इक्वल टू n को कॉमन ले लिया, क्योंकि n टर्म तक जोड़ा था, तो n को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, और फिर इसको जो है वैसे कर दिया। होप करते हैं कि आपको जो है ये फॉर्मूला जो है आपको याद हो जाएगा, आपको जो है ये फॉर्मूला है ये याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं आपको इसके लिए जो है वो 20 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है वो नया चीज देखते हैं, ठीक है। नया चीज क्या देखेंगे भैया, नया चीज ये देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, नया चीज ये देखेंगे, नया चीज कि एक चीज आपने नोटिस किया कि a प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी से लेके कहां तक बताइए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या a प्लस एन माइनस, अरे यार, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक जो है, डी तक जो है उस सम को जो है ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, क्योंकि ये लास्ट में आया, इसको l से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म, ठीक है, क्या a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या a प्लस वन एन माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग इसमें Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू
2a प्लस n माइनस 1 बाई d। कैसे हम लोगों ने सीखा? शिव के चलते सीखा। कैसे सीखा? शिव के चलते सीखा, ठीक है। तो n बाई 2 कैसे आया? n बाई 2। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसको 2a को जो है वो a प्लस a कर दिया, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू d कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया भैया कि n बाई 2 जो है वो a प्लस l बन गया, क्योंकि यहां पे ये लास्ट टर्म था। क्या था? ये लास्ट टर्म था, इसके बाद कोई टर्म नहीं था, इसलिए a प्लस l भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? ये भी जो है एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ये भी जो है एक फॉर्मूला बन गया। तो आपने फॉर्मूला का लिस्ट तैयार कर लिया, देखिए यहां पे ये भी जो है एक फॉर्मूला बन गया, n बाई 2 a प्लस l, n बाई 2 a प्लस l, ये भी जो है आपका जो है एक फॉर्मूला बन गया। होप करते हैं कि आपको जो है ये क्लियर हो रहा होगा, ये जो है ये चीज जो है ये लास्ट टर्म ये सब जो है ये क्लियर हो रहा होगा आपको। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। होप करते हैं कि आपने लिख लिया होगा। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसको ऐसे लिखिए एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। चलिए तो होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। अब हम लोग जो है वो सम ऑफ, इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक टॉपिक डालते हैं, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर। क्या? सम ऑफ nth नेचुरल नंबर, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर, ठीक है। सम ऑफ, हम लोग नेचुरल नंबर को जो है वो जोड़ते हैं। चलिए नेचुरल नंबर को जोड़ना शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर को कैसे जोड़ेंगे? ए नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो चलिए हम लोग नेचुरल नंबर को जोड़ना शुरू करते हैं। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स से लेके कहां तक? एन तक। तो हम लोग को क्या करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है? एन बाई टू फर्स्ट टर्म वन प्लस एन, क्या वन प्लस एन क्या करना है? वन प्लस एन करना है। तो क्या निकल गया? एन एन प्लस वन बाई टू। अगर हम ये करेंगे तो हम लोग का जो है वो सम ऑफ नेचुरल नंबर निकल जाएगा। क्या? सम ऑफ नेचुरल नंबर जो है हम लोग का जो है वो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सम ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 n तक करेंगे, जोड़ करेंगे, तो हम लोग का क्या आएगा? हम लोग का आएगा n n प्लस 1 बाई 2। हम लोग जो है अगर यहाँ पे 6 तक रहता तो हम लोग क्या करते कि 6 लिख देते, 6 6 प्लस 6 6 इंटू 7 56 56 बाई 2 कितना आएगा? 56 बाई 2 आएगा 2 2 2 4 28। तो 28 आ जाता आपका, 1 से लेकर 6 तक अगर आप जोड़ते प्राइम नंबर को, सॉरी यदि करते तो 56 28 आ जाता। 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। तो यहां पे जो है अगर आप प्राइम नंबर को जो है प्राइम नंबर को अगर आपको सॉरी वो तो मैंने गलती बोल दिया था प्राइम नंबर को अगर आपको जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है आपको। तो कैसे जोड़िएगा? तो वैसे जोड़िएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे आप जो है वो n n प्लस 1 बाई 2 से जो है वो आप जोड़ सकते हैं किसी भी जो है वो इवन नंबर नेचुरल नंबर को, कितना भी नेचुरल नंबर है। तो तीन चार बाई दो कितना गया? 2 6, ठीक है। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वो सम ऑफ nth ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं। क्या? सम ऑफ फर्स्ट nth ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट nth ऑड नंबर, ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं। क्या? ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं। कैसे लिखा था? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 डॉट 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 n माइनस 1 तक। कहां तक? n माइनस, या n माइनस 1 कैसे हो जाएगा? n माइनस 1 नहीं, 2n माइनस 1 कहां तक?
2n माइनस 1 तक। देखिए कैसे, क्योंकि यहां पे जो है वो 1 है, 1 है, यहां पे जो है वो 4, देखिए यहां पे 2 इंटू 2 माइनस 1, यहां पे 2 इंटू, हाँ 2 इंटू 2 माइनस 1, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू 3 माइनस 1, यहां पे जो है वो 2 इंटू 1 माइनस 1, यहां पे जो है वो 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6 माइनस 1, ये ऐसे बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, ऑड नंबर 2n माइनस 1 तक बनेगा, ये कहां तक बनेगा, 2n माइनस 1 तक जो है वो बनेगा। तो इसका जो है ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 a प्लस l लास्ट टर्म, तो n, n बाई 2, a कितना है 1 और 2n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, मतलब 2n का स्क्वायर बाई 2, मतलब क्या कि n स्क्वायर। अगर जो है आप अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस 2n प्लस 1 तक जो है अगर आप जोड़ते हैं तो इसका जो सम है वो कितना आएगा, n स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, n स्क्वायर आएगा। होप करते हैं कि आप जो है इसको लिख लीजिएगा कि इसका जो सम है वो n स्क्वायर आएगा ऑड नंबर का, ठीक है, क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हम लिख लेते हैं इस पर, ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल है भाई, एग्जांपल ये है कि मान लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 कितना है, 1 2 3 4 5 6, या ऑड नंबर में 9 भी तो आता है, 9 भी तो आता है, प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ठीक है। तो यहां पे जो है यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया टोटल 7, कितना आ गए, n कितना आ गया, n आ गया 7, मतलब क्या कि अगर हमको टोटल सम निकालना है, Sn निकालना है, तो कितना आएगा, n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब कितना, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49, कितना आएगा ऑड नंबर 49 आएगा, कितना आएगा 49, इसको जोड़ लीजिए 4 प्लस 5 कितना आएगा, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 आ जाएगा आपका 4, 4 प्लस 5 कितना आएगा 9, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 आ जाएगा आपका 16, 16 प्लस 9 24, 24 प्लस 11, 24 प्लस 11 कितना आ जाएगा 4, 5 और 3 35 और 3 कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा आपका, टोटल जो है वो जोड़ के जो है आपका 49 आएगा, कितना आएगा 49 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है वो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, अगर हम इवन नंबर पे करें तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, अगर हम यही चीज अगर इवन नंबर पे करें तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट 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 लेके चलते हैं हम लोग अगर 2n तक, कहां तक 2n तक, इवन नंबर कहां तक होता है 2n तक, और ऑड नंबर कहां तक 2n माइनस 1 तक, कहां तक 2n माइनस 1 तक। तो देखिए यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहां पे Sn इसका निकाले तो क्या होता है, a प्लस l बाय 2 होता है, यही ना होता है, क्या होता है Sn, Sn इज इक्वल टू a प्लस l बाई 2, यही ना होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका 2 प्लस 2n बाई 2, तो कितना आएगा, Sn इज इक्वल टू 1 प्लस n, कितना आएगा 1 प्लस n, कितना आएगा, अरे यार ये ना आता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 a प्लस l, भुला गया था फॉर्मूला, सॉरी दिमाग से उतर गया था, थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते, कोई बात नहीं। तो यहां पे जो है हम लोग जो है ये फॉर्मूला को अगर हम पुट करते हैं n बाई 2, तो 2 प्लस 2n आ जाएगा, कितना 2 प्लस 2n, तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा n, इसको जो है अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो 2 से 2 गया तो 1 प्लस n, 1 प्लस n सा 1 n, n प्लस n स्क्वायर, मतलब क्या कि n n प्लस 1, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ ठीक है।
तो एन एन प्लस वन जो है वो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, एन एन प्लस वन जो है वो आपका आ जाएगा। होप करते हैं कि आपने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो लिख देता हूँ, टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन से लेके डॉट 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 से लेके प्लस टू एन तक, प्लस कहाँ तक, टू एन तक जो है इवन नंबर का जो सम है वो एन एन प्लस वन तक एन प्लस वन आएगा, क्या आएगा, यही आएगा। होप करते हैं कि आप जो है ये समझ गए होंगे। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज का लेक्चर जो है हम लोग खत्म करते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो चैनल को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू, टिल टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।